Hello everyone. From this lecture, we will start with a two stack PDA. And previous lecture को end करते समय हमने आपको एक चीज बताई थी कि जो single stack PDA होता है, वो single stack PDA से हम contextual languages को accept करा सकते हैं। अगर हमारे पास एक ऐसी language है जो contextual नहीं है, for example a power n, b power n, c power n, where n is greater than or equal to one, इस केस में हम ये कह रहे हैं कि a की संख्या को b की संख्या से मैच कराना है और जो ए और बी की संख्या होगी वही सी की भी संख्या होगी, तो आपको उसको सी के साथ भी मैच कराना। तो यहाँ पर दो कंपैरिजन इन्वॉल्व हैं और ये दो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होंगे सिंगल स्टैक पीडीए से, इसलिए हम इसको इसके लिए टू स्टैक पीडीए का यूज कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू कि लेट्स से हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो है डबल ए, डबल बी और डबल सी। अगर हम ये माने कि सिंगल स्टैक से हमें डिजाइन करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि मान सकते हैं कि जब भी ए के आए तो दो ए को आप स्टैक पे पुश कर दीजिए। सो ए के करस्पॉन्डिंग दो ए पुश कर दिया, ए के करस्पॉन्डिंग दो ए पुश कर दिया। इसके बाद फिर जैसे ही एक बी आया आप पॉप कर दीजिए, जैसे एक और बी आया आप पॉप कर दीजिए, जैसे एक सी आया पॉप कर दीजिए, जैसे एक सी आया आप इसको पॉप कर दीजिए। तो ये सिंगल स्टैक से हमने इसको डिजाइन किया। अब इसमें देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। तो इसके लिए काम करते हैं कि हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं एंड दैट इज डबल ए स्मॉल बी एंड ट्रिपल सी। उसका मीनिंग क्या है कि जब भी आपके रूल के हिसाब से जब भी ए के आए तो आप दो ए को पुश कर दीजिए, फिर ए आए तो दो ए को पुश कर दीजिए, फिर जब बी आए तो स्टैक को पॉप कर दीजिए, फिर जब सी आए तो स्टैक को पॉप कर दीजिए, फिर सी आए तो स्टैक को पॉप कर दीजिए, फिर सी आए तो स्टैक को पॉप कर दीजिए। तो इस केस में हमने क्या देखा कि अगर स्ट्रिंग हमारी ए स्क्वायर बी पावर वन और सी क्यूब है तो भी इससे एक्सेप्ट हो जा रही है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि स्ट्रिंग जो इससे एक्सेप्ट होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जिसमें कि ए बी और सी की संख्या सेम हो। तो इसका मतलब है कि हमने कुछ गलत डिजाइन कर दिया यहाँ पे। मान लीजिए कि आपके पास स्ट्रिंग इसके अलावा दूसरी है, लेट्स से डबल ए ट्रिपल बी और सी है, तो ये भी इससे एक्सेप्ट हो जाएगा। जब भी ए आएगा तो आप दो ए पुश कर देंगे, जब भी ए आएगा तो आप डबल ए पुश कर देंगे, अब बी आएगा तो आप पॉप कर देंगे, फिर बी आएगा पॉप करेंगे, फिर बी आएगा पॉप करेंगे, फिर सी आएगा पॉप करेंगे, स्टैक एम्प्टी बचेगा। लेकिन ये जो स्ट्रिंग है वो है ए स्क्वायर बी क्यूब सी रेस टू द पावर वन, जो कि लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। उसका मतलब कि हम सिंगल स्टैक से इसको डिजाइन नहीं कर सकते, आई विल हैव टू डिजाइन इट यूजिंग द टू स्टैक्स। तो लेट्स डिजाइन इट यूजिंग द two stack. For this, let's say I'm taking one stack here and one stack here. Let's say जो पहला stack है S1 stack, उसका जो top character है वो Z0 है। एक दूसरा stack है let's say S2 stack, उसका जो top character है वो Z1 है। इसके बाद जैसे ही A आए आप उसको stack पे push कर दीजिए पहले वाले पे। मान लेते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग गिवन है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर गिवन है, मतलब कि डबल ए डबल बी और डबल सी और लास्ट में एप्सिलॉन होगा इनपुट टेप पे। जब ए आया तो मैंने ए को पुश कर दिया, जब बी जब ए आया तो भी मैंने इसको एस वन स्टैक पे पुश कर दिया। इसके बाद जब बी आए तो मैं इसको मैच करा लेता हूँ टॉप से एस वन के, यस ए आता है इसमें तो इसको पॉप कर दीजिए और बी को दूसरे स्टैक में पुश कर दीजिए। फिर जब बी आया तो स्टैक के टॉप से हम देखते हैं क्या ए है, ए है तो हम इसको पॉप करते हैं पहले स्टैक से और बी को दूसरे स्टैक पे पुश कर दीजिए। तो इस तरह से आपने देखा कि आपने ए और बी की संख्या को मैच करा लिया। अब हम सी की संख्या को मैच करा लेते हैं। तो जब सी आए तो सेकेंड स्टैक में हमें देखना है, अगर बी है टॉप पे तो हम इसको पॉप कर देते हैं, सी आया सेकेंड स्टैक में और बी टॉप पे इसको हम पॉप कर देते हैं। इसके बाद एप्सिलॉन आया तो एप्सिलॉन के समय हमने देखा कि स्टैक के टॉप पे या सेकेंड स्टैक के टॉप पे जेड वन है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो गई है। तो हमने पहले ए और बी को मैच कराया एंड देन बी और सी को मैच कराया, तो यही हमें एक्चुअली कराना था। आइए इसके लिए हम एक पीडीए डिजाइन कर लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज द यू जीरो स्टेट और ये जो पीडीए है इसमें जो ट्रांजिशन है उसको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिजाइन करेंगे। इसमें जो ट्रांजिशन है उसमें सिंगल स्टैक वाले में हम इस तरह से करते थे कि करंट स्टेट कौन सा है और उस स्टेट पे जो हम ट्रांजिशंस दिखाते थे वो देखते थे पहले कि इनपुट सिंबल कौन सा हमारा है, स्टैक के टॉप पे क्या है, और इसके बाद फिर हम इसको पुश करके दिखाते थे।
यहाँ पे हम इसको कैसे दिखाएंगे कि इनपुट सिंबल क्या है और फर्स्ट स्टैक के टॉप पे क्या है और उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या एक्शन लिया गया है, एंड देन इसी तरह से सेकंड स्टैक के टॉप पे क्या है और उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या एक्शन लिया गया है। तो तीन पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट हमारा है कि इनपुट सिंबल क्या है, दूसरा पार्ट क्या है कि हमने देखा कि करंट टॉप क्या है पहले स्टैक का और उससे कोरस्पॉन्डिंग क्या एक्शन लिया गया, और ये बता रहा है कि सेकंड वाले स्टैक का करंट टॉप क्या है और उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या एक्शन लिया गया। इसी तरह से हम इसको डिजाइन करते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के लिए ये मान लेते हैं कि हमारा स्टार्ट स्टेट है, और जैसे ही मेरे पास स्मॉल ए कैरेक्टर आया है और स्टैक के टॉप पे पहले स्टैक के टॉप पे जेड जीरो है, तो हम स्टैक के टॉप पे ए पुश कर देते हैं पहले स्टैक के, दूसरे वाले स्टैक में जेड वन होगा स्टैक के टॉप पे लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रांजिशन दैट वी हैव डिफाइंड। इसी तरह से जब स्मॉल ए आएगा दूसरा और स्टैक के टॉप पे ए होगा पहले वाले स्टैक के, तो हम क्या करेंगे कि इसको पुश कर देंगे, ये पहला स्टैक हो गया मेरा, दूसरे स्टैक के टॉप पे मुझे जेड वन मिलेगा लेकिन मैं कोई भी एक्शन नहीं लूंगा, तो मैं ए के लिए केवल पहले स्टैक पे पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास बी आ गया है और बी के करस्पॉन्डिंग दो एक्शन होंगे, तो पहले हम फर्स्ट स्टैक से पॉप करेंगे और सेकंड स्टैक में पुश करेंगे। जब बी इनपुट मेरे पास आया और पहले स्टैक के टॉप पे ए था तो मैंने इसको पॉप कर दिया, और दूसरे स्टैक में मैं इसको पुश करूंगा, तो अगर दूसरे स्टैक के टॉप पे जेड वन है तो मैं इसको इस सिंबल को पुश कर दूंगा दूसरे स्टैक में। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेट में मूव कर रहा हूँ और यही सेम एक्टिविटी रिपीट होगी कि जैसे जैसे बी आएगा और इस पहले वाले स्टैक के टॉप पे अगर ए है तो मैं इसको पॉप कर दूंगा, और दूसरे वाले स्टैक के टॉप पे मुझे बी मिलेगा तो मैं इस बी को स्टैक पे पुश कर दूंगा। फाइन, तो ए और बी का कंपैरिजन इससे हो जाएगा। अगर ए और बी सक्सेसफुली कंपेयर हो गए हैं तो अब हमारा सी आना शुरू हो जाएगा, तो अगर सी आएगा तो पहला स्टैक एम्प्टी होगा उस केस में। तो जब सी आया तो पहला स्टैक एम्प्टी होगा, इसको एम्प्टी ही छोड़ दीजिए। दूसरा स्टैक के टॉप पे आपको बी कैरेक्टर मिलना चाहिए, और अगर वहां बी कैरेक्टर मिला है तो उसको पॉप कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेट में मूव करते हैं और यहाँ पे सेम एक्टिविटी रिपीट होगी। रिपीट होने का क्या मतलब है कि मुझे सी मिला, पहला स्टैक इस केस में एम्प्टी होना चाहिए, उसको एम्प्टी ही छोड़ दीजिए, जेड जीरो टॉप पे होगा टॉप पे जेड जीरो ही छोड़ दीजिए। दूसरे स्टैक के टॉप पे आपको बी मिलना चाहिए, और अगर आपको बी मिला है तो आप एक काम कीजिए इसको पॉप कर दीजिए। इसके बाद जब बी और सी का सक्सेसफुल कंपैरिजन हो जाएगा तो आपको एप्सिलॉन मिलेगा, और अगर आपको एप्सिलॉन मिला है और स्टैक वन के टॉप पे जेड जीरो है तो इसको जेड जीरो छोड़ दीजिए, स्टैक टू के टॉप पे भी आपको जेड वन मिलना चाहिए उसको जेड वन छोड़ दीजिए, एंड यू मूव टू द फाइनल स्टेट। सो दिस इज हाउ वी हैव डिजाइन दी टू स्टैक पीडीए फॉर ए पावर एन बी पावर एन एंड सी पावर एन, जहाँ पे पहले हमने ए और बी को कंपेयर किया एंड देन हमने बी और सी को कंपेयर किया। बट ये बात मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि अगर सिंगल स्टैक पीडीए हम डिजाइन कर सकते हैं किसी लैंग्वेज के लिए तो हम कहेंगे कि ये जो लैंग्वेज है वो कंटेक्स्ट फ्री है, लेकिन अगर टू स्टैक पीडीए हम डिजाइन कर सकते हैं तो इस लैंग्वेज को हम कंटेक्स्ट फ्री नहीं कहेंगे। सो आई होप यू विल रिमेंबर दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।